आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको भी एंजल वन एप्लीकेशन पर ओटीपी नहीं आ रहा है और यदि गाइस आप इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो गाइस आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे ये आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल रहेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना होता है एंजल वन। तो यहाँ पर गाइस मैं एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करते गए हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहां पर गाइस आपको एंजल वन यहां पर ऐप शो करेगा, तो इस पर क्लिक करना है। और यहां पर गाइस आपको यदि गाइस यहां पर ओपन की जगह पर कोई भी अपडेट वाला ऑप्शन शो कर रहा है तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको यहां से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको एंजल वन एप्लीकेशन पर आ जाना है और इस पर एक लॉन्ग प्रेस कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहां पर ऐप इन्फो वाला एक ऑप्शन शो करेगा। तो यहां पर गाइस आपको ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइस आप यहां पर ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहां पर गाइस नीचे की साइड आना है और यहां पर गाइस आपको एक ऑप्शन शो करेगा ऐप परमिशंस का। तो यहां पर गाइस आपको ऐप परमिशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर गाइस जो भी परमिशंस आपकी अलाउ नहीं है उन सभी परमिशंस को यहां से गाइस आपको अलाउ कर लेना है। जैसे गाइस आप इन सभी परमिशंस को यहां से अलाउ कर लेंगे तो गाइस आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहां पर ठीक हो जाएगी गाइस। तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आपको भी एंजल वन एप्लीकेशन पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो गाइस कुछ इस टाइप से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो चलो और वीडियो चलो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस, ताकि गाइस आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइस।